हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम करेंगे स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है भैया? टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इन द अबाव कंपाउंड। तो बेटा यहाँ पे तीन का सेंटर दिख रहे हैं और स्यूडो की फीलिंग आ रही है, आपको पता ही है। जैसे स्यूडो की फीलिंग आती है, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास यहाँ पे 2 to 4 ऑप्शन अवेलेबल होंगे। तो आप यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव के हिसाब से आंसर देंगे, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपका आंसर 4 आएगा, बिकॉज आप यहाँ पे टोटल 4 लिख के लिख सकते हो कि 2 + 2, आपका आंसर यहाँ पे 4 आएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकेंड के अंदर आपसे पूछा गया, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर पॉसिबल। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे इवन सिस्टम की फीलिंग आ रही है, और इवन सिस्टम की फीलिंग आने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे ये ऑप्शन फंडा यूज करोगे। आप सोचिए, जैसे आप इवन सिस्टम के बारे में बात करते हो, आपको बता दूं आपके पास वेज आएगा, आपके पास डैश ऑप्शन आएगा, ये CHO ध्यान रखिएगा। तो प्रॉब्लम ये कि यहाँ CHO आएगा, यहाँ H आएगा, यहाँ CHO आएगा, यहाँ H आएगा। हमने स्टेटमेंट दिया था, 2 टर्मिनल सेम 2 POS, 1 टर्मिनल सेम 1 POS, 1 POS, no टर्मिनल सेम 1 POS। तो भैया हम ये जानते हैं कि ये दो ऑप्टिकल आइसोमर के रूप में रहेंगे, यही आ सकता है, GI हो ही नहीं सकता, बिकॉज इसके टर्मिनल परपेंडिकुलर हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपके पास ऑप्शन पूछा गया टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। अब आपको सोच समझ के इसका आंसर देना होगा। लकीली आपके पास यहाँ एक पाई बॉन्ड है, यहाँ एक कार सेंटर है, यहाँ एक पाई बॉन्ड है, पर चेक करो ये टर्मिनल और ये टर्मिनल इस कारण से अलग अलग है, बस काम हो गया। जैसे ही आपको लगता है कि अनसिमेट्रिकल है, आप 2^3 8 लिख के आगे बढ़ सकते हो बिना टेंशन लगाए। क्वेश्चन नंबर फोर, एक बहुत ही सिंपल तरीके से पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। ध्यान से देखिए, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड है, बट संभल के बेवकूफ मत बनना इस कहानी के अंदर। क्यों नहीं बनना? क्योंकि स्टीरियो पूछा है, तो GI काउंट मत कर लेना। ये काउंट होगा, ये काउंट होगा, ये काउंट होगा, ये काउंट होगा। अब इस सिचुएशन में आप यहाँ पे कंपेयर करते समय इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखोगे। क्या ध्यान रखोगे? कि क्या कैंसिल करना है। ये आपका एंगो है, ये आपका कैंसल, यहाँ टर्मिनल सेम है, ये आपका कैंसल। तो भैया 1 2 3 4 आपको दिमाग नहीं लगाना चाहिए, इसका आंसर 2^4 तो आ ही रहा है। नाउ यहाँ की बात करते, यहाँ भी पाई बॉन्ड है, यहाँ भी पाई बॉन्ड है, बट प्रॉब्लम है यहाँ पे संभल के इवन सिस्टम है। अब इवन सिस्टम की तरह एक तरीके से ये स्यूडो कास्ट सेंटर वाला थीम बन जाता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर ये दोनों सिस सिस हो तो ये कुछ नहीं हो सकता, अगर दोनों ट्रांस ट्रांस हो तो बीच वाला कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज के टर्मिनल सेम आएंगे। पर अगर एक सिस ट्रांस हुआ तो जो बनेगा वो उसकी मिरर इमेज ही तो होगी जब वो ट्रांस सिस बनेगा, कॉम्बिनेशन 4 ही आएंगे, दैट्स वेरी यूनिक ऑप्शन। तो इस सिचुएशन में आपको एक डायग्राम समझा देता हूँ, क्योंकि आपको शायद डायग्राम का इश्यू रहेगा इस कहानी के अंदर। तो ध्यान से देखो, जब आप ये बनाओगे या ये बनाओगे तो अगला जो कॉम्बिनेशन करोगे वो उसकी मिरर इमेज ही तो बनेगा। दैट्स द वे जो मैं समझाना चाह रहा था आप लोगों को, कि आपके पास 4 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे और आपका आंसर यहाँ पर डेली आना चाहिए। ऑप्शन नंबर फिफ्थ, बहुत ही सिंपल तरीके से आपसे केवल ज्योमेट्रिकल पूछा है, तो ज्योमेट्रिकल बोलते ये कहानी खत्म, बिकॉज टर्मिनल सेम है, एलकाइन खत्म, क्योंकि एल डिस्टेंस सेम आने वाली है। इसमें आपके पास केवल एक बीच का पाई बॉन्ड बचा और आपका आंसर सिंपल तरीके से 2 आना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ आइसोमर एक ऑप्टिकली एक्टिव मोनोक्लोरीन डेरिवेटिव ऑफ आइसोपेंटेन। क्या पूछा? ऑप्टिकली एक्टिव, तो लैंग्वेज पे ध्यान दो, अगेन घूम फिर के वहीं आ गए, 2D पर डायरेक्ट, 3D पर इनडायरेक्ट का सेंटर बनता है, तो CL को यहाँ जोड़िएगा, CL को यहाँ जोड़िएगा, चोट लगी दर्द यहाँ हुआ, चोट लगी दर्द यहाँ हुआ, दो कॉम्बिनेशन इसके, दो कॉम्बिनेशन इसके, इसके RS अलग अलग होंगे, इसके RS भी अलग अलग होंगे, तो आपका आंसर टोटल यहाँ पे 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर विल बी फॉर्म ऑफ 2-मिथाइल हेप्टा 3E 5E डाइइनोइक एसिड। तो पहले तो हेप्टा देख के अपन 7 कार्बन की फीलिंग लाते हैं, उसके बाद 2-मिथाइल, उसके बाद हेप्टा 3। तो देखो 1 2, ये आपका हो गया 3, अगला है 5E, तो 4 के बाद ये आपका 5, और साथ में लिखा है डाइइनोइक एसिड, तो आपके पास यहाँ पे ये बन जाएगा। हाँ, इसको डाइइनोइक एसिड। ओके, तो फिर हम केवल एक ही पाई बॉन्ड इमेजिन करेंगे, 2-मिथाइल। अच्छा, इसका मतलब हमने डायग्राम में थोड़ी गड़बड़ करी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिख दिया है, आपके पास यहाँ CH होगा, यहाँ CH3 होगा, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 और E दे रखा, ठीक है, चलेगा।
क्योंकि हमें जी आई तो काउंट करना ही है। सोच लीजिए का सेंटर यहाँ बना, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड है, 2 की पावर 3। दिमाग मत लगाइएगा, चुपचाप 8 लिख के आगे बढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है, डाइब्रोमो इंक्लूडिंग स्टीरियो ऑफ द पॉसिबल। देखो क्या पूछा है, डाइब्रोमो लैंग्वेज पे ध्यान दो। डाइब्रोमो का मतलब दो ब्रोमीन जोड़ना है। अब प्रॉब्लम है कहाँ कहाँ जोड़ सकते हो, तो 1 1 पे जोड़ सकते हो, 1 2 पे जोड़ सकते हो, 1 3, 1 4 क्यों नहीं जोड़ा, रिपीट हो रहा होगा। अब चेक कीजिए, जब आप यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ोगे तो सिंपल फंडा, यहाँ जब ब्रोमीन जोड़ोगे तो सिंपल फंडा, यहाँ जब ब्रोमीन जोड़ोगे तो सिंपल फंडा, यहाँ तो एक आएगा ही आएगा। दो का सेंटर सिमेट्री आने से आपको यहाँ पे 3 लगेगा, बट आपको लगेगा सर सिमेट्री तो दिख नहीं रही। बेटा डायग्राम को आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो, ये पेंटागन का फॉर्म है, ये सिमेट्री की फीलिंग आएगी। देखो आप जैसे यहाँ भी आपको सिमेट्री दिखेगी नहीं, पर आप जब डायग्राम को ढंग से अरेंज करोगे, 1 3 लिखा है ना, तो 1 3 में ऐसे लिख सकता हूँ ना, आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे दो का सेंटर है, आपका आंसर यहाँ 3 आएगा। गलती क्या हो रही है, गलती ये हो रही है कि हम डायग्राम गलत बनाते हैं। डायग्राम हम जनरली ऐसे बनाते हैं और यही हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पेंटागन को ढंग से बनाना सीखिए। पेंटागन में अगर आपने ऐसे बनाया ना, तो आपको पेंटागन की फीलिंग गलत आएगी, बिकॉज ये एंगल 90, और यही गलती करता है बच्चा। आप पेंटागन को ढंग से बनाइए कि इसका बॉन्ड एंगल प्रॉपर 108 जैसी फीलिंग दे। अगर आप यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ोगे ना ऐसे, देखो बराबर सिमेट्रिकल की फीलिंग आ जाए। तो पेंटागन को ढंग से बनाना सीखिए, ताकि अप्रोच करना आपके लिए आसान हो जाए। अगला क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी डायस्टम ऑफ द कंपाउंड पी विल बी पॉसिबल इन दिस सिचुएशन। तो भैया यहाँ पे आपके पास 3 का सेंटर है, 2 की पावर 3 8 बनेगा, बिकॉज कंपाउंड सीधे अनसिमेट्रिकल है। और हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि 8 में आपके 2 इनेंशियल बनते हैं, और बाकी जो बचे 6 वो पक्का उस गिवन फॉर्म के डायस्टोमर, क्योंकि गिवन फॉर्म आपके सामने अवेलेबल है। तो आपका आंसर चूंकि टोटल नहीं पूछा है, डायस्टोमर पूछा है, तो आपका आंसर यहाँ पर 6 आ जाना चाहिए। अगला ऑप्शन आपके सामने बहुत सिंपल सा, यहाँ भी का सेंटर दिख रहा है, यहाँ भी का सेंटर दिख रहा है, यहाँ पाई बॉन्ड, और पूछा क्या आपसे स्टीरियो आइसोमर पर। जब आप यहाँ से हैप्पी बर्थडे करोगे, तो प्लेनोसोमेट्री होते समय वो कार्बन यानी सूडो का सेंटर से गुजर नहीं रही है। अगर वो गुजर नहीं रही है तो दिमाग मत लगाओ, चुपचाप 6 लिख के आगे बढ़ो, बिकॉज उस सिचुएशन में आपके पास 6 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे। पाई बॉन्ड के लोग क्या बना सकते हो, सिसरो ट्रांस। अब उसके साथ का सेंटर अवेलेबल है, तो कॉम्बिनेशन होंगे आर आर एस एस, आर एस एस आर सेम हो जाएगा। वैसे ट्रांस के कॉम्बिनेशन होंगे आर आर एस एस, आर एस एस आर सेम हो जाएगा। आपके पास ओनली 6 ऑप्शन अवेलेबल होगा। नंबर 11, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, बेटा निकल एस टू दिया है, संभल के, चूंकि ये एक्सेस में होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर भी एच एच जोड़ोगे, आप यहाँ पे भी एच एच जोड़ोगे। लकीली आप डायग्राम को ऐसे इमेजिन कर सकते हो लाइक दिस। अब जब ये इमेजिनेशन करोगे तो समझ में आएगा कि सिस्टम में बराबर रूप से पीओएस की फीलिंग आ रही है फ्रॉम स्यूडो कायरल सेंटर। जैसे स्यूडो लगता है, भले एरिया 3 हो, पर आपको सिखाया था 3 के अंदर आपका आंसर 6 नहीं आएगा, आपका आंसर 4 आ जाएगा। आप कॉम्बिनेशन में 4 ही फॉर्म बना पाओगे। कैसे 4 फॉर्म बनाओगे वो भी बात कर लेता हूँ। ये देखिए आपके पास ये कॉम्बिनेशन होगा कि आप मिथाइल मिथाइल को वेज करो, एक बार ओएच को वेज, एक को डैश, ये सिस्ट्रांस डायस्टम की फीलिंग देगा। एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि आप इस साइड वेज देश कर दीजिए, और अगली बार जब आप इस साइड वेज देश करोगे, तो आपको बता दूं आपके पास जो बनेगा वो उसका मिरर इमेज बनेगा। यही मैं बोलना चाहता हूँ कि क्या कहोगे, दो मीजो दो एक्टिव टोटल 4, कहीं पंगा नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12, सेम आंसर आपसे पूछा गया कि कैसे जज करना है। ध्यान से देखिए, निकल एस टू से रिएक्शन की बात कर रहे हो, तो बेटा इस डायग्राम में ये रिजिड फॉर्म है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि आप इसका कुछ भी नहीं कर सकते। अब जब आप इस पर रिडक्शन करोगे, तो टेक्निकली आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होगा, यानी यहाँ पर ओएच होगा, यहाँ पर एच होगा, सीधी सी बात है। अब प्रॉब्लम ये कि आपके लिए यहीं पर कॉन्फ्यूशन की बात कर सकते हो, यहाँ चेंज कर सकते हो, वहाँ चेंज नहीं कर सकते। समझिएगा क्वेश्चन क्या है, जब आपने ये ऑप्शन बनाया या आपने जब ये ऑप्शन बनाया, तो ध्यान से देखो आप क्या करोगे, एक बार ओ एच को यहाँ, एक बार यहाँ करोगे, और एक बार आप यहाँ पे उल्टा कर सकते हो कि सर मैं ओ एच को वहाँ कर देता हूँ, एच को यहाँ कर देता हूँ। आपके पास जो बनेगा वो टेक्निकली आपका इनेंशियोमर कहलाएगा, क्योंकि ये गिवन फॉर्म की बात कर रहे हो। भले पीओ सी ओ सी नहीं आएगी, तो आप यहाँ तो कोई चेंज कर ही नहीं सकते। जो चेंज करना था वो आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो आपके पास कोई भी नया फॉर्म बनने को तैयार नहीं होगा। आपका आंसर सिंगल 2 ही आएगा। बच्चे जल्दबाजी में यहाँ पे 4 लिख देते हैं, पर इसका आंसर 4 नहीं आएगा, बिकॉज एक ये बनेगा और एक इसका मिरर इमेज, वो रिजिड सिस्टम है, आप उसमें किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ये फंडा आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ताकि आपको इस कहानी के अंदर कंसेप्ट समझ में सही तरह से आए।
इसका आंसर टू आएगा। ये लाइन ध्यान रखिएगा, इसमें किसी प्रकार का कॉम्बिनेशन का पंगा नहीं होना चाहिए। नंबर 13 आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है स्टीरियोसोमर के लिए, तो बेटा समझिएगा इस कहानी को। आपके पास यहाँ का सेंटर है, यहाँ का सेंटर है, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ का सेंटर है, 2 की पावर 4 16 लिख के आगे बढ़ा जा सकता है। और ये आपका ऑप्टिकल वाले का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मतलब ये कि आपका ऑप्टिकल का वीडियो सॉल्यूशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो आपका ये ऑप्शन पूछा गया अबाउट द स्टीरियोसोमर। देखिए स्टीरियोसोमर में आपकी पोजीशन का चेंज होना अलाउ नहीं होता, तो ये दिख रहा है आपको कि ये 1 2 आना चाहिए, ये 1 2 आना चाहिए, यानी ये और ये एक दूसरे के क्या है बेटा, स्टीरियो आइसोमर। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया और इसके थ्रू आपको एक सहूलियत मिलेगी कि आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जब चाहे तब वीडियो को देख सकते हैं, उसके सोल्यूशन चेक कर सकते हैं, ताकि आपको बहुत आसानी से इन सबका मैटर और उनका वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल रहे। थैंक यू वेरी मच मुझे देखने के लिए, ठीक है, बाय बाय। आंसर की भी अवेलेबल करवा रहा हूँ ताकि आपको अप्रोच रहे और आप मुझे यहाँ पे डाउट पे बात कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का भी डाउट आता है तो आप मेरे इस चैनल पे आके अपने क्वेश्चन अपलोड कर सकते हैं। हैव अ गुड डे, बाय बाय।